हेलो बच्चों, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम वाक्यों की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वाक्यों की पहचान करने के लिए हमें क्या देखना जरूरी होता है कि जो हमारे वाक्य है उसके पीछे अगर रहा है, रही है, रहे हैं, लगकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो आदि। इस तरह के वाक्य का जब हम यूज करते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे, इसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इज लगता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है। उसके बाद जो भी बाकी बचते हैं उनके साथ लगता है आर। तो यहाँ पर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी स्टडी किया था कि जो ही सी और इट, ही सी और इट के साथ क्या लगेगा, हमारा इज लगेगा, और आई के साथ हमारा एम हो गया, और बाकी जो क्या बच गए, यू वी दे आर। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो क्या वी यू दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का, आपको पता चल गया यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इज, एम, आर, और किस किस के साथ क्या लगेगा, यह हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सकारात्मक सेंटेंस बनते हैं वह किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। यह क्या है हमारा, यह है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम जो एक्सरसाइज देखते हैं उसके अंदर जो हमारा वह लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो टहलने जा रही हूँ, टहलने जा रही हूँ, या फिर हम बोले वह टहलने जा रही है, सी इज गोइंग फॉर ए वॉक, सी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, गोइंग गो होती है वर्ब। ठीक है, गो क्या होती है, वर्ब होती है, और आईएनजी हमारा फर्स्ट जो वर्ब होगी उसके साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गो के साथ आईएनजी लग गया, फॉर ए वॉक, घूमने के लिए, टहलने जा रही हूँ, वॉक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वह चीज होती है जो हम कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई है हमारी, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, तो आई के साथ हमने डिस्कस किया था, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, आई एम स्टडिंग, तो हम यहाँ पर बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। तो यह कौन सा टेंस है हमारा, कौन सा टेंस स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वे डिनर कर रहे हैं, दे आर हैविंग, टेकिंग, ईटिंग डिनर। तो यहाँ पर करने के लिए क्या तीनों ही वाक्य हमारे यूज हो सकते हैं, हैविंग, टेकिंग, ईटिंग डिनर। ठीक है, तो इन तीन वाक्यों को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगेगा, आर। अभी हमने बात किया था ना, दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर। ठीक है, वे पार्टी में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू ए पार्टी, वे पार्टी में जा रहे हैं, वो रो रही है, सी इज क्राइंग, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और क्राई हमारी वर्ब होती है, वर्ब के साथ हमने लगा दिया आई एन जी, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर नहीं है, तो वो रो रही है, सी इज क्राइंग। अब आता है हमारा नेगेटिव। अब इसी को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव के अंदर कुछ भी अलग नहीं होता, सिंपल सा बस यही है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नोट लगेगा। अब आप ऐसा मत कर देना कि नेगेटिव के अंदर आप नोट यहाँ पर लगा दो सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको।
नोट कहाँ पर लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ना कि पहले, और वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है हमारी, वह टहलने नहीं जा रही है, वहां पर हमने जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य थे, उसके अंदर टहलने जा रही थी, यहाँ पर नहीं आ गया बीच में, तो यहाँ पर हम सिर्फ नोट को ऐड कर देंगे, सी इज नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक है, सही, वही तरीका है इसके अंदर, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब है, नोट यहाँ पर हमने ऐड कर दिया क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नोट आ जाएगा। गोइंग फॉर ए वॉक, गो हमारी वर्ब है और वॉक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज गोइंग फॉर ए वॉक, फॉर मतलब के नहीं जा रही है, के लिए भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, वैसे तो अनुवाद करते हैं तो के लिए मीनिंग होता है फॉर का। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। वे डिनर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग डिनर। तो वहां पर हमने टेकिंग और ईटिंग की बात की थी, लेकिन हमने यहाँ पर हैविंग की बात की थी, तो ठीक है, तीनों में से गलत कोई भी नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और आप वोकैबुलरी जब याद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हम यूज करने वाले हैं। वे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टी। वह रो नहीं रही है, सी इज नॉट क्राइंग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और कैसे बनाएंगे हम इन्हें। ठीक है, किन सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं? अभी यहाँ पर आपको डब्ल्यू एच लिखा दिख रहा होगा, डब्ल्यू एच वाले वाक्य को आपको पता होगा ना, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वाले वाक्य होते हैं। और ये कब यूज होते हैं आपको पता होगा, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये वाक्य हमारे यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी भी व्यक्ति से, तब यहाँ पर ये वाक्य हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव में वह आगे आ जाएगी, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आगे कर देना है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पहले वाले में क्या था, सब्जेक्ट पहले आता था, फिर आती थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह कहाँ पर आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और बाकी का जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, हम क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, घर में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो हम वहां भी बोल देते हैं, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, तो एम क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई हमारी, जो हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, उससे पहले आ गई। गोइंग क्या है हमारी वर्ब है, टू द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है, पार्टी। ठीक है, अब आता है सेकंड हमारा, वह क्यों रो रही है, यह क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब ठीक है, तो यहाँ पर यह होता, वह रो रही है। ठीक है, तो वह रो रही है, तो क्या बन जाता है हमारा, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर वह क्यों रो रही है, क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया है तो सीधी सी बात है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। वह क्यों रो रही है, व्हाई इज सी क्राइंग। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम आई राइटिंग द लेटर। एम है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और आई है हमारी सब्जेक्ट, और राइटिंग द लेटर, राइट राइट करना क्या होता है, हमारी वर्ब होती है, और राइट के साथ क्या लग गया, आई एन जी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सेम यही है, आपको अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा रूल है सेंटेंस बनने का,
वह याद हो जाता है तो बिल्कुल आपके लिए इजी है, और आपको कुछ दिन ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब यहाँ पर क्या है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसके अंदर प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस इन्हें में बोल देते हैं, जिसके अंदर जो हमारे WH वाले वाक्य हैं वह आगे आते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कैसे इसका जो रूल है वह अप्लाई होता है। WH प्लस इज MR, यह क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यह किसके साथ आ गई, सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा नोट है नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर वह क्या कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। आपको ये चीज जरूरी ध्यान में रखनी है कि नोट है वह हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही नोट को आगे लगा दो तब वहां पर आपका जो वाक्य है सेंटेंस है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है हमारा ING, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की। वह टहलने क्यों नहीं जा रही है, वाई इज सी नॉट गोइंग फॉर वॉक, वह टहलने क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, एक तो WH वाला वाक्य आ गया, क्यों क्वेश्चन मार्क हो गया, और नहीं नेगेटिव भी हो गया, तो दो चीजें यहाँ पर ऐड हो जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। साथ में क्वेश्चन पूछा गया और नकारात्मक तरीके से पूछा गया। वह टहलने क्यों नहीं जा रही है, वाई इज सी नॉट गोइंग फॉर वॉक, क्या हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। तो यह क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट है हमारा, नोट हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ लग गया, और गो क्या है हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ लग गया ING, टू स्कूल टूडे, स्कूल क्या टूडे, और स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल। ठीक है, आज आप अपनी परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हो, तो यह भी पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, कि एक तरीका तो यह होता है कि क्या आप परीक्षा देने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक नेगेटिव तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आज आप अपनी परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हो, व्हाई यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन टूडे, वह आज सुबह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है और नेगेटिव तरीके से, व्हाई इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट दिस मॉर्निंग, लास्ट आता है हमारा फिफ्थ, लास्ट आता है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर हम स्टडी करते हैं कि आप अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और जो सभी के सभी लेक्चर्स हैं टेंस से रिलेटेड वह हमने प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।